सो गाइस यहाँ पे देखने को मिल चुका है स्ट्रीट फाइटर एक्स फ्री फायर, जो कि भाई यहाँ पे आप चुन ली पार्टी के नाम से, चुन ली पता नहीं भाई अब क्या इसको नाम दे रखा है इन लोगों ने, तो खैर जो भी है भाई इवेंट यहाँ पे अवेलेबल करवा दिया चुन ली पार्टी के नाम से। तो यार यहाँ पे आप अपनी स्क्रीन पे देख पाओगे एक स्पिन जो है 19 का है और एक स्पेशल स्पिन जो है 99 डायमंड का है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और ये आपको बंडल जो है वो आपको एक 19 वाले स्पिन में मिलता है, तो यार बहुत ही लकी होगे। बाकी यहाँ पे हम स्पेशल स्पिन के साथ ही जाना चाहेंगे, क्योंकि 5 स्पेशल स्पिन करने पे आपको एक चीज देखने को मिल जाएगी। अब यहाँ पे 2 स्पिन हम 99 के कर चुके हैं, जिसमें हमें एक क्रिएट और एक वाउचर मिला है। अब थर्ड जो स्पिन है यहाँ पे भाई साहब हमें थर्ड स्पिन में ही चुनली बंडल देखने को मिल चुका है, जो कि स्ट्रीट फाइटर का बंडल है। क्या ही तो यार यहाँ पे देखने में लग रहा है ये बंडल। और भाई इसी के साथ साथ हमारी लक जो है काफी ज्यादा सही रही है, जिसकी वजह से हमें ये थर्ड स्पिन में मिल गया। अब यहाँ पे क्या होगा कि भाई थर्ड स्पिन के बाद मैं 2 और स्पिन करूंगा तो मुझे एक और यहाँ पे प्राइज देखने को मिल जाएगा। उसके अलावा यार यहाँ पे आपके पास जो भी चीज़ें पहले से अवेलेबल हैं वो उसके ऊपर ऑलरेडी ऑन लिखा आएगा, वो आपको दोबारा से नहीं मिलेंगी, लेकिन आपको जो स्मॉल प्राइजेज हैं ये बार बार आपको देखने को मिलते जाएंगे, क्योंकि भाई ये वाले जो प्राइजेज हैं ये मेरे पास काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल होते हैं। तो यहाँ पे फाइनल स्पिन है, इसमें स्पास ही मिलने वाली है, तो बिल्कुल यार सुपर स्टार की स्पास है वो देखने को मिल चुकी है, जो कि आपको पता होगा स्काइलर के साथ साथ ये कुछ थीम गन्स अवेलेबल करवाई गई थी, उन्हीं में से एक स्पास भी देखने को मिल चुकी है। अब यहाँ पे बहुत अच्छी बात यह है कि आपको सारे के सारे जो स्पेशल स्पिन है वो 99 डायमंड में ही देखने को मिलेंगे, यानी कि भाई यहाँ पे जो चुन ली की ग्लू वाल है वो भी हमें देखने को मिल चुकी है, उसको भी हम अनलॉक बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, यानी कि भाई आपके टोटल 1500 डायमंड लगेंगे इन चीज़ों को अनलॉक मारने में। अब यहाँ पे यार हमने 4 स्पिन कर ली है, तो फाइनल एक ही चीज़ हमारे पास बची है, और 99 का स्पिन करने के बाद यहाँ पे हमें देखने को मिल चुकी है चुन ली ग्लू वाल, जो कि भाई काफ़ी अच्छे एनिमेशन दिखाते हुए स्ट्रीट फाइटर का बड़ा सारा लोगो और ये भाई चुन ली का बंडल बना हुआ है इसके ऊपर। शायद से यार ये चुन ली पार्टी में ये जो ग्लू वाल है इसके बाद एक और ग्लू वाल लॉन्च करवाई जाएगी, वो होगी भाई इसके मेल के बंडल की। अभी फीमेल का बंडल देखने को मिला है, उसके अलावा यार ये लाइट पास जो रेगुलर लेने पे आपको ये कुछ बैनर और अवतार वगैरह मिलता है, तो यहाँ पे आप इसके एनिमेशन देख पाओगे। यार अगर आप स्ट्रीट फाइटर खेलते हो, अगर आप स्ट्रीट फाइटर लवर हो और आपने खेली हुई है, तो आपको पता ही होगा यार ये क्या ही इसका चुन ली का यहाँ पे स्टाइल है और क्या ही स्वैग है यार। यहाँ पे देख पाओगे काफी अच्छा इसका एनिमेशन करवाया गया, लेकिन भाई इसी तरह का अगर ये इमोट अवेलेबल करवा देते तो काफी ज्यादा मजा आना था। यहाँ पे आप अपनी स्क्रीन पे देख पाओगे दोबारा से इसका एनिमेशन, मैं आपको दिखा देता हूँ यार क्या ही तो तगड़ा इसका एनिमेशन है। यहाँ पे बंदे को मारती हुई इस तरह से घूमती हुई, और भाई साहब बहुत ही इसका मजा होता था स्ट्रीट फाइटर का। अगर आप 90s के किड्स हो तो भाई आपको पता ही होगा स्ट्रीट फाइटर कितनी फेमस गेम, और भाई कुछ लोग अभी भी अगर खेलते हो तो नीचे कमेंट करके जरूर से जरूर बताना कि भाई मैं अभी भी खेलता हूँ, और भाई मैं भी अब इसको जाके जरूर से जरूर डाउनलोड करके खेलने वाला हूँ। तो उसके अलावा आप भी इसको अगर आपने ट्राई नहीं की तो करना भाई मेरे कहने पर, क्योंकि भाई काफ़ी मज़ेदार गेम हुआ करती थी ये, जो कि भाई हमारी जो वीडियो गेम्स होती थी उसमें अवेलेबल होती थी ये। मुझे नहीं लगता अभी ये मोबाइल पर है या नहीं। यहाँ पर भाई आप अब इसकी ग्लू वाल के बारे में बात करते हैं, ग्लू वाल जो है इसकी वो भी अवेलेबल करवा दी गई है, जो कि ग्रेनेड्स में आपको देखने को मिल जाएगी। काफ़ी सही एक अच्छी ग्लू वाल देखने को मिली है और काफ़ी मज़ेदार ग्लू देखने को मिली है। यहाँ पे हमारे पास 32 ग्लू वाल हो चुकी हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा हो चुकी हैं। अभी यहाँ पे आप देखोगे स्ट्रीट फाइटर की जो बड़ी सारी ग्लू वाल हमें अवेलेबल करवा दी गई है। अभी मुझे लगता है भाई बिल्कुल इसी तरह से जो मेल का बंडल बना हुआ होगा उसकी भी ग्लू वाल अलग से अवेलेबल करवा दी जाएगी, क्योंकि भाई ये ग्लोबल कोलैबोरेशन है और बहुत बड़ी कोलैबोरेशन है। अब इक्वली फेमस हमारे रीजन्स में भी है, उतनी ही फेमस है जितनी के अदर रीजन्स में, इसलिए हमारे पास भी इसको अवेलेबल करवा दिया गया है। यहाँ पे यार बंडल देखोगे भाई पर्सनली मुझे काफ़ी बंडल ये पसंद आया। इसके अलावा जो लीक्स में देखा था मेल का बंडल वो भी भाई काफ़ी सही और मज़ेदार होने वाला है। यहाँ पे हम कस्टम में आ चुके हैं, कस्टम में देखेंगे भाई किस तरह से दिखने वाली है। यहाँ पे आप अपनी स्क्रीन पे देख पाओगे 360 इसकी रोटेशन, जो कि फिस्ट की स्किन जो कि ऑलरेडी हमारे पास बाजुओं की स्किन है वो इसके पूरे के पूरे बाजू को कवर करके रखती है। अदरवाइज ये बंडल भाई पर्सनली मुझे काफ़ी पसंद आया, क्योंकि इसको बिल्कुल उसी तरह से ही बनाया गया जैसा फ्री फायर, यानी कि जैसा कि भाई स्ट्रीट फाइटर में अवेलेबल होता है, तो बिल्कुल इस बंडल को उसी तरह से ही बना के लॉन्च करवाया गया और इसकी ग्लू वाल अवेलेबल करवा के भाई और भी ज़्यादा मज़ेदार बना दिया। एक हेड हमने मारा और एक हेड हमें पड़ गया, तो इस तरह से भाई ये काफ़ी मज़ेदार ये बंडल होने वाला है। अब यार यहाँ पर मैंने आपको डायमंड वगैरह लगा के दिखा दिया है किस तरह से ये आपको मिल सकता है और कितने डायमंड लग सकते हैं, तो अगर आप चाहें
चैनल पे पहली बार आए तो यार सब्सक्राइब कर लेना, सब्सक्राइब करके बेल को पे चिपका लेना। और उसके अलावा यार अगर आपको नहीं पता तो हमारा सेकंड चैनल भी है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको देखने को मिल जाएगा। वहां पे जाके जरूर से जरूर उसको भी चेकआउट कर लेना, उसको भी सब्सक्राइब वगैरह कर लेना, क्योंकि वहां पे थोड़ा बहुत गेम प्ले वगैरह मैं अपलोड कर दिया करता हूं। तो इसका गेम प्ले वगैरह भाई मैं वन टैप का भी शायद से जल्दी अपलोड करने वाला हूं वहां पे दोबारा से। जाके सब्सक्राइब करके उसका भी बेल को ऑल पे सेट कर लेना, क्योंकि वहां पे बहुत कम वीडियो आती है और वहां पे जो भी वीडियो आएगी उसको जरूर से जरूर देखना।